एलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी में और पूर्व विधायक, मैं जान रहा हूं कि कुछ हिस्से में आवाज आ रही है, कुछ में आवाज नहीं आ रही है। यहां पर मंच पर हमारे साथ पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के हाल में जिलाध्यक्ष जीतेन वर्मा जी, मंच पर हमारे साथ आरएलडी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित जी, देख रहा हूं बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, किसान भाई और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे को मैं देख सकता हूं यहां से, और ये चेहरे और खुशी और ये जो आवाज आ रही है ये बता रही है कि इस बार गठबंधन की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित जीतने जा रही हैं। मैं अभी अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कोई और कहीं पढ़ गया, पढ़ाई में कहीं और चला गया पढ़ते पढ़ते। ये तो कमाल पहली बार देखने को मिल रहा है आगरा में। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप टैबलेट दे दिया कि नहीं दे दिया आपको? सुना है कि लखनऊ में बहुत बांटे गए थे, स्टेडियम में बैठा करके बांटे गए थे, आप तक नहीं पहुंचा? बताओ 4.5 साल से हमें और आपको क्या टैबलेट दे रहे थे वो? और कल्पना करिए कि जो चलाना नहीं जानता वो आपको क्या देगा। मैं आप सबसे न केवल आपके भविष्य के लिए वोट मांगने आया हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए। और हमारे किसान भाई और यहाँ जितने मौजूद हैं सब खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, किसान हैं या खेती से जुड़े लोग हैं, बताओ उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बताओ किसान भाइयों किसकी आय दोगुनी हो गई? धान कब खरीदा गया? बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब बिजली का बिल आता होगा तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सुना है इधर भाषा बदल गई है बीजेपी वालों की। वो भाषा आपने सुन ली होगी व्हाट्सएप पर, सुन ली भैया सुन ली। ये क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? एक कह रहे हैं ठंडा, क्या कह रहे हैं? ठंडा कर देंगे। अरे महेश सिसोदिया जी, तुम्हारा ये कोल्ड स्टोर है ना? ये है कोल्ड स्टोर के नहीं कोल्ड स्टोर? जिनके घरों में फ्रिज होगी वो भी जानते होंगे ठंडा कैसे किया जाता है।
हमारे मुख्यमंत्री कोई कंप्रेसर है क्या जो ठंडा कर देंगे हमें और आपको? हम समाजवादी लोग नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये गर्मी निकालना चाहते हैं। लेकिन नौजवानों, हम आपके लिए भर्ती और रोजगार और नौकरी निकालना चाहते हैं। कितनी तकलीफ और परेशानी में नौजवान है, पढ़ लिख ले, डिग्री हासिल कर ले, मेहनत कर ले, रात दिन जाग ले, और अगर परीक्षा देने जा रहा तो बताओ परीक्षा रद्द हो रही है कि नहीं हो रही। हमारी पुलिस को 100 नंबर दिया था, बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 हुआ पुलिस भी कबाड़ा हो गई, पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। और हमारी अच्छी खासी एम्बुलेंस का 12 बजा दिया है बाबा जी ने। इसलिए महिला सुरक्षा के लिए अगर हमें 100 नंबर वाली गाड़ी जब 112 हो गई, अगर दुगनी भी करनी पड़ी कानून व्यवस्था के लिए, तो समाजवादी लोग दुगनी गाड़ियों का इंतजाम कर करके अपने गरीब लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आज हम लोग रूपाली दीक्षित के लिए मदद मांगने आपसे आए हैं। रूपाली दीक्षित जहां पढ़ी लिखी हैं और आज के समय की चीजों को समझती हैं, दुनिया की चीजों को जानती हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में भी पढ़ी हैं, तो आज अगर हम अपने समाज को और दुनिया के दूसरे हिस्से के समाज को देखें तो हम जन जाने कितने पीछे हैं। आज हम सड़क के मामले में पीछे हैं, पढ़ाई के मामले में पीछे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पीछे हैं। आज गरीब जनता को चाहिए कि अस्पताल अच्छा हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली सस्ती हो, और हमारे किसानों को कम से कम उनकी पैदावार का सही मूल्य मिले। अगर कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब नए लोग जीत करके जाएंगे, बताओ नए लोगों को जिताओगे कि वही घिसे पटे लोगों को जिताओगे? ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं कहां चले जाएं। बताओ ये बात है कि नहीं है? कभी हमारे पास भी आए थे, ये वही हमारे पास भी आए थे, हमारे पास भी आए थे कभी। ये तो अच्छा है जितेंद्र वर्मा जी गए और आ गए वापस, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नए लोगों को जिताइए, नए विचार के साथ नई चीजें आएंगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगरा का विकास और क्षेत्र का विकास हमेशा किया है। हम लोग सीट जीते हो न जीते हो, हम लोगों को ज्यादा सीटें मिली हो न मिली हो, लेकिन विकास में भेदभाव कभी समाजवादी लोगों ने नहीं किया। इसलिए नौजवान और नई उम्र के रूपाली दीक्षित हैं, इनको जिता करके आप विधानसभा में भेजने का काम करें। बताओ इन्हें जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और सबसे बड़ी बात है, हमें एक और मौका दोगे कि नहीं दोगे आप? अगर आप मौका देना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आपको एक एक गठबंधन के लोगों को जिताना पड़ेगा। बताओ गठबंधन के लोगों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे साथ जैन चौधरी जी हैं, जब से ये साथ आए हैं उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। बताओ हवा बदली कि नहीं बदली? जिधर सूरज डूबता है उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम कोई कर रहा है तो जैन चौधरी जी कर रहे हैं। बताओ आज हर दल आपके साथ आ गया है। हमने कोशिश की कि जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको साथ लाने का काम करें। महान दल को भी हम साथ लाए हैं, और महान दल का नारा तो कमाल का है कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार लाना है।
ये नारा अगर किसी ने सबसे पहले दिया तो वो महान दल के लोगों ने दिया। आज महान दल साथ है, आरएलडी साथ है, और कभी कभी टीवी पे ओमकार राजभर जी को भी सुनते होंगे, वो भी आपके साथ हैं। तो आज हर दल आपके साथ है। बीजेपी से कोई जुड़ना नहीं चाहता, बीजेपी से तो नहीं जुड़ना चाहता कोई, इसलिए मदद करिए और साइकिल की मदद करिए। ये साइकिल वाले ही मदद होगी कि नहीं होगी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दस मार्च को अखिलेश का स्वागत है समाजवादी पार्टी को वोट दें।